हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे अपनी लाडली निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर। कल सेंसेक्स के अंदर एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट को तो जाने दो, गर्मी तेज है राजस्थान के अंदर, पारा 52 चले गया है। ठीक है, मार्केट वार्केट तो करते रहेंगे, ठंडा पानी पीते रह करो, आई बात समझ में। अब कर लेते हैं मार्केट की बात। लाडलों को पता है भाई, लौंडा आ चुका है, अब अपनी तारीफ पेलेगा, हद हो गई यार, तारीफ भी नहीं करे ये भी कोई बात होती है। बट आज के वीडियो को अधूरा देखने की कोशिश मत करना, आज के वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना। आज के वीडियो के एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, उनके लिए कीमती है जिनके लिए मार्केट बिजनेस है, बाकी जिनको लेवल चेक करने हैं। कहीं देखो, एक्चुअल में ये यूट्यूब है ना, इसमें सब पता चलता है, कौन यहाँ पर अपनी बकवास सुनने आता है, कौन यहाँ पर लेवल लेने आता है। तो लेवल लेने वाले तो उनका तो क्या ही कहा जाए, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, या तो रोज बटते हैं, ये तो महादेव का प्रसाद है, रोज ऐसे ही बटेगा और बटता आ रहा है। तो आज का सबसे बड़ी जो बकवास रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि आज अगर आपने मार्केट को देखा हो तो निफ्टी आपकी डाउन साइड, ठीक, बैंक निफ्टी आपकी अपसाइड, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों, किंतु परंतु, ये फलाना ढिमका, उन सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, निफ्टी और बैंक निफ्टी चाहे सास बहू बन जाए, चाहे देवरानी जेठानी बन जाए, इनके बीच में कितने ही पंगे हो जाए, बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास आपका सेटअप है फिर वही गाने गाऊंगा, अगर आपके पास आपके लेवल्स है, अगर आपके पास आपका देसी लट है। देखो, लट तो होगा तुम्हारे पास, मैं जानता हूं, 2-4 इंच का, पर वो देसी नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं, ज्यादा हंसने का नहीं है, फोकस करो मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता था, बैंक निफ्टी के को किस तरीके से हम मतलब कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 15 मिनट के ऊपर, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, निफ्टी के ऊपर भी बात करने वाले हैं, पहले बैंक निफ्टी के ऊपर कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मार्केट चल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, बैंक निफ्टी के अंदर कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था, और वो लेवल था 48,320 का। इस रेंज से लेकर के 48,000 तक की मैंने एक आपको रेंज बताई थी कि ये जो रेंज है ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और ध्यान रखना, अगर मैं वीडियो पे ये बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या मैं आपको ये बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, या मैं आपको टेलीग्राम पर ये बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं दुनिया की नहीं बता रहा, मैं अपनी बता देता हूँ। मैं ऐसा जब सोचता हूँ, मैं अपने आप में 9 बार 10 बार अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो 9 बार उसमें राइट निकलता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। दुनिया को क्या लगता है, लाडलों को क्या लगता है, उसकी बात नहीं कर रहा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा समझना है, ठीक है। ठीक, तो ये क्या थी, ये थी तारीफ, ये क्या थी, ये थी तारीफ अपनी खुद की। देखो, खुद की कर लिया करो, ऐसे दुनिया कौन किसकी करती, ठीक। तो अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैंक निफ्टी ने क्या किया, हमारे उसी लो के आसपास, कौन सा वाला, 48,320 के लो के आसपास आता है, और यहीं से एक जबरदस्त कैंडल बनती है, यहां से एक जबरदस्त कैंडल बनती है, और 48,900 तक की हमें जबरदस्त 15 मिनट के अंदर जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट हुआ, इस रिट्रेसमेंट के आसपास टाइम हो रहा था 12 बजे का, और मैंने आपको एक वापस मैसेज टेलीग्राम पर चिपका दिया, और मैं बोलता क्या हूं आपको वो गौर से सुन लेना, मैं आपको बोलता क्या हूं वो गौर से सुन लेना, मैसेज यहां पर चेक कर लेना। मैं आपको बोलता हूं कि करंट मार्केट खड़ा है 48,550, ठीक, और मैं आपसे कह रहा हूं कि 48,641 के ऊपर
बैंक निफ्टी अपसाइड अगेन एक बार फिर उड़ाना है, ठीक है, और फिर हम इसको उड़ा कर लेके जाते हैं 48,641 से कहां लेकर जाते हैं, जाकर के चार्ट चेक कर लेना, इसी जगह से मार्केट वापस आपका अगेन जाता है 49,050 प्लस। तो इसे क्या कहते हैं लाडलो, इसे कहते हैं एजुकेशन। अब कहीं नए होंगे वीडियो के ऊपर, वो कह रहे होंगे तुक्का लग गया होगा, तो लाडलो इतना भरोसा है खुद की एजुकेशन के ऊपर कि इस यूट्यूब पर 1.5 साल हो गए, 1.5 साल नहीं हुए तो कितने होते हैं 1.5 साल में 18 महीने, 16 या 17 महीने मान लो, ठीक है, कोई सा भी एक वीडियो उठाकर देख लेना 2023 से लेकर के 2023 से लेकर के 2024 कौन सी डेट है आज 30 तक का कोई सा भी वीडियो उठा करके देख लेना, ये साली एक्यूरेसी है ना, ये इतनी मिलेगी, ये मैं समझता हूं, हो सकता है थोड़ी बहुत कम कर लेना 0.01 में, ठीक है ना, तो इतनी मैं खुद की समझता हूं, बाकी फिर भी नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाना, वहां लाडले बता देंगे कि एक्यूरेसी कहते किसे है, किस चिड़िया का नाम है, लोगों ने तो नाम रख रखा है, लाडलों ने तो नाम रख रखा है गंगाधरी शक्तिमान, ठीक, वैसे मेरा फेवरेट था उस टाइम पर बचपन में, बट उस टाइम की कहानी याद आ गई, टीवी नहीं था, ठीक, घर से उस टाइम पर संडे के दिन आया करता था, संडे या सैटरडे पता नहीं, शनिवार या इतवार को आया करता था, तो वो आता था 11 बजे के आसपास, 11 बजे या 12 बजे, इतना अब कंफर्म नहीं है, बचपन था उस टाइम पर, घर में टीवी नहीं था और पड़ोस में टीवी था, वो देखने ही नहीं देते थे, तो घर से 1.5 किलोमीटर एक छोटा सा मतलब टाउन पड़ता है, वहां पर ब्राह्मणों का घर था, ठीक, उनके घर टीवी था और उनके बच्चे साथ में पढ़ा करते थे, सरकारी स्कूल थी हमारी कंवरपुरा, सॉरी नाम निकल गया, तो वहां पर जाया करते थे, तो साथ में पढ़ा करते थे, तो बातें चर्चाएं होती रहती थी, आज शक्तिमान घूम के उस छत पे चले गया, वहां से उसने किल्विस का वध कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो बताया करते थे हम अपनी टीवी में देखा करते थे, तो इतना क्रेज था कि 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते थे, वहां पर भी साला एक लफड़ा, तो वहां पर वो जो पंडिताइन जी थी वो ये कहती थी घर में मत आना गंदे पैर लेके, तो मकान के बाहर एक खिड़की थी, उस खिड़की पे खिड़की के बाहर खड़े होकर के देखा करते थे, और हम कितने थे, हम 2 बालक थे, मेरी पूरी लाइफ के अंदर मेरा एक ही फ्रेंड है, ओनली ऑन वन बस, और हम दोनों ही बदमाश जाया करते थे, इस टाइम पर वो दिल्ली है, गवर्नमेंट जॉब है, काफी अच्छी पोस्ट पर, और मैं अपना क्या है, अपने इधर बकवास करते ही है, मेरी जॉब का तो पता ही है आप लोगों को, तो ये वाले ऐसा जीवन होता है पर बदलता है, जी जीवन होता है बदलता है, मैं मेरे शुरुआती जीवन के दौरान बचपन के दौरान इतना बदमाश था, इतनी बदमाशी कि सोच नहीं सकते, वीडियो के अंदर कभी सुने होंगे भी थोड़ी देर पहले लगा होगा ना, हाँ हूँ ऐसा ही हूँ, बड़ा बदमाश था, अब तो कंट्रोल हो गया काफी, मैं चलते हुए आदमी को छेड़ दिया करता था, चलते हुए आदमियों को उसके ऊपर कुछ कमेंट कर देना, वे ये वो फलाना, अंगुली करने की आदत आज भी है, अब तो मार्केट में करता हूँ, तो चुलबुलापन बचपन से था, पर बचपन खत्म नहीं हुआ, बचपन को खत्म नहीं होने दिए, बचपन आज भी है और ऐसे ही रहेगा, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मेरी उम्र तो 28 है, आप लोगों को मेरी आवाज से लगता होगा कि 40-50 प्लस है, 28 है, 1993 का जन्म है, नहीं 88-1993, अब सुनो कि मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है, और सुनो अरे तारीफ अभी अधूरी है, पूरी तो की नहीं है, हमारा है उदयपुर का पिज्जा निफ्टी के अंदर, इसी की बात की थी ना, देख लो टक से, और भाई कल का सुनो, अरे कल की जो रियल एजुकेशन थी सेटअप उसकी तो बात की नहीं, उसकी बात करते हैं पहले, देखो
मार्केट को वॉच करना सीखो, मार्केट को समझना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कल हमने बात की थी कि मार्केट 22,644 इंपॉर्टेंट लेवल है और 22,700 का ये हमारे पास एक सपोर्ट था जिसके ऊपर मार्केट खड़ा था। फिर मैंने आपसे कहा कि मार्केट अगर नीचे की तरफ ओपन हो जाए 22,644 के आसपास, और मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगेन 22,700 को रेस्पेक्ट करे, मार्केट जाता है फर्स्ट क्लास रेस्पेक्ट करने। उसके बाद मैंने कहा था कि अगेन यहां से मार्केट 22,644 को ब्रेक कर दे, उसके बाद में शॉर्ट कर देंगे, यही था ना। उसके बाद में देख लो नजारे, फर्स्ट टारगेट जो हमारा था 22,550 जो हमें मिलता है, और जो सेकंड टारगेट था वो हमें 22,400 का इंपोर्टेंट जो सपोर्ट था वहां तक मार्केट आता है। तो क्या वर्क करता है? सेटअप वर्क करता है। यहां से आना या जाना ये क्या था? ये क्या था? सेटअप था। कौन सा था? कौन सा था? अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो पता होगा, एक मुलाकात जरूरी है सनम, उसी के अंदर मैंने एक सेटअप और इंक्लूड कर दिया, कर करा के मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। वो आज रहा है, बताया कल रात को था। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सुनो, बैंक निफ्टी का सीन सुनने की कोशिश करो और अब मार्केट के अंदर बिल्कुल सीरियस हो जाना 31 तारीख से लेकर के 2 या 3 तारीख तक, ठीक है। आपका मार्केट 2 को ओपन होगा, और 2 को ओपन होगा, 1 का तो नहीं, 2 को भी कहाँ ओपन होगा, 1 का तो आपका सैटरडे, 2 का संडे, 3 को ओपन होगा। तो 30, 31 और 3 इन 2 दिन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सीरियस हो जाना मार्केट के अंदर, होने क्या वाला है वो सुनो। और जो आप लोग ये सोच रहे हो कि 4 तारीख को ऐसा मौका आने वाला है, 5 साल में एक बार आता है, तो इस चक्कर में कहीं से लोन वगैरह ले लुआ कि पैसा मत लगा देना मार्केट के अंदर। सही बता रहा हूँ, इस मार्केट के अंदर पैसा लगा मत देना, बर्बाद हो जाओगे। सेटअप के ऊपर लगाना, पैसा लगाना है तो सेटअप वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। आपका एक सेटअप होना चाहिए, आपके पास एक वजह खड़ी होनी चाहिए, आपके पास एक वजह खड़ी होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर ये कब वर्क करेगा, क्यों वर्क करेगा, कारण क्या है, रीजन क्या है। अगर मैं सोच रहा हूं मार्केट ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, अगर मैं सोच रहा हूं मार्केट नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा। जाते हो ना 250 रुपए की चप्पल लेने, उसको बोलते हो 20 रुपए कम कर ले, 30 रुपए कम कर ले, फिर उसको बोलते हो कितने दिन चलेगी, 250 रुपए की चप्पल नहीं, 6 महीने की गारंटी चाहिए। अरे तो 2.5 लाख इस मार्केट में लगाते हो तो इस मार्केट के अंदर एक वजह खड़ी करना सीखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस मार्केट में एक वजह खड़ी करना सीख कि मेरे पास एक सेटअप है या फिर मेरे पास एक वजह है, इस वजह से मार्केट के अंदर मैं ट्रेड ले रहा हूं। साला 250 रुपए की चप्पल के पीछे उस शॉप वाले का दिमाग खराब कर दोगे, कितने दिन चलेगी, रंग तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, और इधर बिना सोचे समझे ये लगा दिया, वो लगा दिया, कॉल पुट, ये फलाना ढिमका, और कहानी खत्म। तो अब सुनो, इस रेंज को गौर से पकड़ लेना बस, और कुछ भी नहीं करना। आज का लो यही हमारे लिए सेटअप है। रेंज कितनी है? 49,000। डाउन साइड की तरफ 48,320 का लेवल जो आज मार्केट के अंदर लो था। कितने पॉइंट की मूवमेंट है? 750 पॉइंट की मूवमेंट। इसके अंदर मार्केट आपका कल घूम सकता है, इसके अंदर कल आपका मार्केट घूम सकता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट केवल और केवल इस लेवल के ब्रेक करने के बाद, और इस लेवल के ब्रेक करने के बाद कंफर्म कब होंगे? 200 पॉइंट इस लेवल से ऊपर की तरफ निकले, 200 पॉइंट इस लेवल के नीचे निकले, 48,120 के नीचे जाए तब कंफर्म होंगे कि ये लेवल ब्रेक हो गया। और 49,050 था ना यहाँ पर, 49,050 आज का हाई, तो 49,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए तो सोचना कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। वरना लड़ लो इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे होते रहना। समझ में आ गया स्कैल्पिंग? बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है।
और वो 2-3 इंच का जो मैं बता रहा था वो फोन के बारे में बता रहा था, ज्यादा कुछ मत सोचना ठीक है। निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं अब कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका ये क्या बोलते हैं पिज्जा बन चुका है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है। नीचे की तरफ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सा है 22,400, कल भी रहने वाला है, यहां से लेकर के आपके पास एक रेंज खड़ी हो जाती है 22,700। कंफर्म लेवल कौन से होंगे, इसके बाद में एक डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट आता है, अगर मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आता है तो वो लेवल सुनो, इस लेवल को नोट करके रखना, ये वाली जो ट्रेड लाइन लग रही है ना इसी को थोड़ा सा लंबा कर लेना, इतना लेवल सुनो 22,312। अब अगर निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आना होगा तो वो लेवल होगा 22,312। इसके नीचे ही सोचेंगे, और यहां पर भी एक रेंज है छोटी सी, रेंज कौन सी है 22,312-22,280, ठीक है। इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद में निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। निफ्टी कहां आ सकती है पता नहीं है हमें, कल होगा कि नहीं होगा, बट जब भी होगा तो हमारे पास जबरदस्त टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारे पास 22,000, और उसके बाद में नीचे की तरफ ध्यान रखना 21,880 से लेकर के 21,780 तक एक रेंज है, जिस पर बार बार मार्केट हर बार जाता था और इसे अपना बुआ का घर समझ करके यहीं से वापस लौट के आ जाता था। बट ध्यान रखना बुआ यहां से निकल चुकी है अपने घर को लेकर के, अब की बार यहां आ जाए ना तो धूम धड़ाके के साथ नीचे आएगा, ढोल बजे के साथ में। कहां कहां तक आ सकता है 21,480, ठीक है, और उसके बाद में 21,200 कब होगा बता दिया जाएगा, ठीक। अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, अगर निफ्टी के अंदर कल के दौरान अगर हमें अपसाइड के बारे में सोचना है, वन डे का चार्ट है, वन डे की कैंडल है, तो एक लेवल सुनो इंपॉर्टेंट। आज गर्मी की वजह से मेरी आंख में पता नहीं क्या हो रहा है, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है आपका ये वाला लेवल, इस कैंडल का और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, इस कैंडल के क्लोजिंग और इस कैंडल के क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। कल मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए 22,400 और अपसाइड की तरफ 22,600, इस 200 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ओपन हो जाए, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 60-80 पॉइंट की मूवमेंट देगा, ठीक है, या ट्रैप करेगा, हो सकता है ट्रैप कर जाए। केवल और केवल कुछ बड़ा सोचना है, इस लेवल के अपसाइड अगर इसको ब्रेक करता है तो 22,720, और इसको ब्रेक करता है तो 60-80 पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। हो गई बात, अब बोलोगे 15 मिनट पर तो समझाए नहीं, अरे एक वन डे की कैंडल पे क्या मैं वीकली कैंडल पे समझा दूं, समझने वाला चाहिए। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, देखो सेंसेक्स के अंदर एक जबरदस्त मामला बना हुआ है। सेंसेक्स आपका 4 दिन से 1, 2, 3, 4 दिन से लगातार डाउनफॉल के अंदर है, तो अब क्या हो सकता है, एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको ये कहता हूं कि मार्केट के अंदर प्रोजेक्शन वर्क करता है, मार्केट के अंदर हमेशा एक प्रोजेक्शन वर्क करता है। अगर मार्केट ने कोई हाई बनाया है तो उसके बाद में एक लो बना है, और लो बन हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, केवल केवल और केवल इस हाई को ब्रेक करने के बाद, या फिर मार्केट ने फिर एक नया हाई बनाया है तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद, या फिर मार्केट ने एक नया लो बनाया है तो हाई को ब्रेक करने के बाद, फिर एक नया हाई है तो इसको ब्रेक करने के बाद, बट बार बार मार्केट इसी को ब्रेक करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन के हिसाब से एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, इस प्रोजेक्शन के हिसाब से एक ट्रेड लाइन बनी हुई है 45 मिनट के ऊपर, कितने मिनट के ऊपर 45 मिनट के ऊपर, 45 मिनट के ऊपर आप एक ट्रेड लाइन लगाकर रखो। इस तरीके की ट्रेड लाइन लगानी है, ट्रेड लाइन लगानी है आपको इस तरीके की, कल सेंसेक्स में कुछ जैकपॉट हासिल करने के लिए लगा ली 45 मिनट के ऊपर। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट लेवल सुनो, मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट को जाने दो, भाड़ में 74,000 रुपये खड़ा है, ठीक।
एक लेवल सुनो, एक रेंज सुनो, 74,460 से लेकर के, या 74,500 मान लो, यहां से लेकर के 74,650 750 250 पॉइंट की एक रेंज है ये वाली, ठीक। यहां से मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के यहां से इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल कौन सा, यही इसी जगह मार्केट ओपन होकर के 74,180 के लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट अपसाइड की तरफ कहां तक जा सकता है, 74,180 को ब्रेक करेगा तो मार्केट आपका 74,500 के करीब जा सकता है, यहां तक जा सकता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है एक रेंज 250 पॉइंट की, अगर कल के दौरान ये 250 पॉइंट की रेंज अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाए, जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो होगा आपका 74,700 के ऊपर 75,000 का, और इसके बाद में एक फायर मूवमेंट हमें और देखने को मिल सकती है 200 से लेकर के 300 पॉइंट की, मार्केट कहां तक जा सकता है 75,200 या 250 के आसपास। समझ में आ गई बात, दोबारा समझाऊं, चलो दोबारा समझा देता हूं। देखो मार्केट खड़ा है 74,000 के आसपास में, मार्केट कहां खड़ा है 74,000 के आसपास में, ठीक। यहां से अपसाइड की तरफ 74,180 को ब्रेक करता है तो मार्केट लगभग 74,450 या 500 के करीब जा सकता है, ठीक है। यहां जाने के बाद क्या करना है, यहां हमें अपसाइड की तरफ 74,500 से लेकर के 74,700 या 720 के आसपास की रेंज मिलेगी, 200 से 250 पॉइंट मान के चलो आप, ये रेंज ब्रेक होगी, इसके बाद में हमें अपसाइड की तरफ 250 पॉइंट और देखने को मिल सकते हैं, 250 से लेकर के 350 पॉइंट और देखने को मिल सकते हैं, वरना हमारे लिए 74,500 से लेकर के 74,650-700 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करे देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाए या रेंज बनाए और वापस यहीं क्लोजिंग कर दे, या मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोजिंग करे, तो ट्रैप मत होना, आज की तरह मॉर्निंग की तरह ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, उसके बाद में मार्केट आपका क्या कहते हैं उसे, गर्मियों के अंदर क्या आ जाती है, बेहोशी सी आ जाती है ना, उसके अंदर जा सकता है, तो ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक मार्केट आपका इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंडिया विक्स जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है, इस वजह से आपके जो प्रीमियम 300 के होने चाहिए वो 700 के चल रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर जो 100 का होना चाहिए वो 300 का चल रहा है, इसलिए कम से कम मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लीजिए, कम से कम, जितना कम से कम हो सके, ठीक है। और जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी अगर ये एक तरीके से प्लानिंग में शामिल था, कल मैंने आपसे कहा था कि अगर बैंक निफ्टी मेरे लेवल इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो एक सुपर वीडियो आने वाला है ऐप के ऊपर, जैसे ही आपका ये वीडियो क्लोज होगा उसके बाद में वो वीडियो बनना स्टार्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एजुकेशन होगी कि किस तरीके से ऐसी वॉलेटिलिटी के अंदर हम सेफ तरीके से मूवमेंट पकड़ सकते हैं, या मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन देख सकते हैं, या मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, या कोई पोजीशन किस तरीके से, अगर हमें ऑलरेडी अगर कोई पोजीशन बनानी है 31 के लिए तो किस तरीके से बना सकते हैं, तो एजुकेशन पर्पस से ऐप है जहां पर मेरा कोर्स है। अगर आप यहां जुड़ते हैं तो आपको 3 महीने देव ट्रेडिंग फैमिली का एक्सेस मिलता है बिल्कुल फ्री, और इसके साथ में 1 ईयर का आपको ऐप का एक्सेस मिलता है जहां पर लाइव क्लासेस और काफी सारे वीडियो वहां पर अपलोड किए हुए हैं, कैंडल स्टिक सेटअप के ऊपर वर्क कैसे करोगे, एंट्री एग्जिट सब कुछ कैसे प्लान करोगे, मनी मैनेजमेंट, फंड पैसा तो है पर उसको मतलब कि हैंडल करना नहीं आता, तो कई सारी चीजें सीखने के लिए कई सारी चीजें हैं, पर एजुकेशन वर्क करती है मार्केट के अंदर, हर रोज बताता हूँ एजुकेशन चलती है मार्केट के अंदर, मैं चौड़े में बोलता हूँ 24 घंटे पहले, ये कोई कॉल टिप्स थोड़ी है, मेरी लेवल को अब रियलिटी बताऊं क्या,
जितने भी ये साले गुजरात के अंदर चोर है ना, ये कॉल टिप्स वाले, ये रोज फॉलो कर रहे हैं पर डे। गुजरात के अंदर हुआ, इंदौर के अंदर हुआ, मुंबई के अंदर हुआ, जितने भी आपके पास भी आते होंगे कॉल, आते हैं ना आपके पास कॉल करते होंगे लोग कि सर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो हम आपको पोजीशन देंगे, आप इसमें पैसा लगाओ। उनके झांसे में मत आया करो, उनके झांसे में मत आया करो, जीरो करवा देंगे, जीरो करवा देंगे। कॉल टिप्स के चक्कर में मत रहा करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर उसे इतना ज्ञान है तो वो हमें कॉल क्यों कर रहा है, अगर उसके पास इतनी एजुकेशन है तो वो हमें कॉल क्यों कर रहा है। ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर इंट्राडे मार्केट ओपन है, मार्केट के अंदर वर्क हो रहा है, और वो बंदा हमें कॉल कर रहा है, वो हमें ट्रेड देगा क्यों? ऐसा क्या लालच है, ऐसा उसे क्या लालच है? और इतना ही पता है तो मार्केट के अंदर जाकर के उखाड़ ना लगा खुद का पैसा। तो ऐसे किसी के झांसे में मत आइए। और दूसरी बात, देव के नाम से कई सारे फर्जी टेलीग्राम बने हुए हैं, 350+ जाकर के टेलीग्राम पर एक बार देव इनविजिबल लिख देना, देव इनविजिबल का आई लिख देना, देव इनविजिबल ट्रेडिंग, देव स्टॉक ग्रुप, देव ट्रेडिंग फैमिली, देव ट्रेडिंग फैमिली 2, देव ट्रेडिंग फैमिली 5, तो इस तरीके से बने हुए हैं। और उनके अंदर क्या चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो अपनी एनालिसिस देता हूँ उसी को वो अपने उसके ऊपर कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करके साथ में एक मैसेज डालते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसे किसी के झांसे में मत आइए। वो ये कहते हैं कि 10,000 रुपये दे दो, शाम को 20,000 ले लो, 50,000 दे दो, 1 लाख ले लो, 1 लाख दे दो, 5 लाख दे देंगे 2 दिन में। तो ऐसे किसी चोरों के चंगुल में मत फंसिए, खुद से कीजिए। और नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही तो स्टॉक में जाइए, उसके उसके लिए भी प्रबंध कर रखा हूं बिल्कुल फ्री। आप स्टॉक ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां पर स्टॉक्स के ऊपर किस तरीके से एनालिसिस की जाती है, स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से ब्रेकआउट देखे जाते हैं, स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म देख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, 10 दिन होल्ड किस तरीके से किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है 10-15 दिन किसी ऐसे स्टॉक को बाई करके रखना जिसके अंदर आने वाले समय के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हो। जैसा कि आज से पहले कि जबरदस्त स्टॉक दिया था, बताऊं क्या? पता तो होगा आप सबको, फिर भी मैं बता देता हूं। एक स्टॉक था जबरदस्त चला था, वैसी मूवमेंट शायद आपने देखी नहीं होगी, वैसी मूवमेंट बड़े बड़े धुरंधरों ने नहीं देखा अभी तक, जो स्टॉक मार्केट के अंदर बरसों से अपना अपने जीवन जवानी में, जवानी को बुढ़ापे में ले आए ना, उन्होंने नहीं देखी होगी ऐसी मूवमेंट 4 दिन के अंदर। ऐसी ऐसी मूवमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता रखी, और वो सब कुछ एजुकेशन के ऊपर, सेटअप के ऊपर है, ब्रेकआउट के ऊपर है। मैं आपसे अलग थोड़ी खाता हूँ, वही 2 रोटी दाल की कटोरी और दही की कटोरी, बस यही चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन वर्क करती है, तो जाकर देख लेना, मैं ऊपर जाऊंगा देखूंगा, देख लेना तुम। क्या दिखाओ दू क्या? चलो दिखा देता हूँ फिर, लाडले नए पुराने कुछ नहीं कहेंगे, पुरानों को सब पता है, नए वाले कहेंगे बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो दूसरा वर्ड यूज मिलेंगे, कौन सा सी वाला बना रहा है ना, सब बेरा है। देखो इस यूट्यूब के ऊपर ये था बाल कृष्णा, ये था, ये स्टॉक था, ये वाला था, ये था, इसके अंदर मूवमेंट कैप्चर की थी हमने, 2480 से सीधा अपसाइड की तरफ गया था ये 3300+, जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली। देखो इस यूट्यूब के ऊपर है ना, जितने भी आते हैं ना वो साले यहाँ पर सब हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ हेलो दोस्तों मैं देव, तो ये एक तरीके की लैंग्वेज है। पर क्या ऐसी लैंग्वेज आपकी आम बोली आम जिंदगी में रहती है? उसके अंदर तो सी ये होते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ बेवकूफ बना दिया, तो बेवकूफ थोड़ी बोलते हो, हाँ तो लाडले सब समझते हैं। देसी का मतलब यही तो होता है,
जैसे मैं देसी हूँ तो आम तरीके से बात करता हूँ, आप सबसे यूट्यूब पे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब है या क्या है, सब लड़ ले क्या दिक्कत। और सुनो मेरी बात को, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे जीवन में हो ना वैसा दिखने की कोशिश करो सामने वाले, वो आपको बेहतर तरीके से समझेगा। मैं भी यहाँ पर आपको 10-20-50 वर्ड इंग्लिश के ठोकने लग जाऊं, ये वो ये समझ में नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगी बात आपको, ना मुझे सिखाने में मजा आएगा। अभी नेचुरल तरीके से हम कैसे भी बात कर लेते हैं, ठीक। तो ये था, और कल का दिन थोड़ा सा कि सूरज हुआ है मध्यम, चांद ढलने लगा है कि नहीं। और कल कई लोग पूछते रहते हैं कि सर आप कौन हो, कहाँ से हो, तो एक शायरी सुनो जबरदस्त। जुगनू बनकर इस जीवन की रात अंधेरी काट गया, गौर से सुनना, जुगनू बनकर इस जीवन की रात अंधेरी काट गया, मिले दर्द औरों के तो मैं अपने हिस्से में छांट गया, आखिर हूं मैं कौन, कहां से आया हूं, क्या हूं ज्ञात नहीं, क्या हूं ज्ञात नहीं, बना विदूषक जीवन पट पर अपनी खुशियां बांट गया। इसे कहते हैं देव। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, केवल और केवल वहीं से ज्वाइन होना है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।